हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एंड एक वे ऑफ लर्निंग। दे करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज की आज हम 221 क्लास देखेंगे। इसके पहले 220 क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं लास्ट, जिनमें कि हमने जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इनको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किए। साथ में वीडियो के अंत में जो भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यार, ये वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट कर करंट अफेयर्स 2022 प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाकर वीडियोज देख सकते हैं। आज हम क्लास 221 डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि नीति आयोग के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी को जो है वो आपके G20 समिट जो कि इंडिया में आयोजित की जाने उसके नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। इस करंट इवेंट न्यूज को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। देखिए, फॉर्मर नीति आयोग सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैज बीन पिक्ड अप इट्स इंडिया न्यू शेरपा फॉर G20 समिट। G20 समिट जो आपकी आयोजित की जा रही है इंडिया में उसके नए शेरपा के रूप में जो है यहाँ पे अमिताभ कांत जी को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जो कि पीयूष गोयल की जगह लेंगे। पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं इंडियन 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 गवर्नमेंट में, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स, वो है जो जिनको कि सितंबर लास्ट ईयर सितंबर में अपॉइंट किया गया था। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में बहुत सारे डिपार्टमेंट इनके पास होने पर इनको हटा, इनकी जगह जो है अमिताभ कांत जो कि फॉर्मर नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। और नीति आयोग के जो चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको 30 जून को, ये अमिताभ कांत जी हैं वो आपके नीति आयोग से रिटायर्ड हो गए थे और उनकी जगह परमेश्वर नैयर को जो है आपके नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। और अब जो फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके अमिताभ कांत, उनको G20 समिट के शेरपा के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। शेरपा क्या करते हैं? देखिए, G20 समिट जो इंडिया में आयोजित की जानी है, इंडिया जिसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जो है वो आपकी G20 समिट की अध्यक्षता करेगा और इसमें बहुत सारी मीटिंग्स होंगी कंट्रीज में, उनको फुल टाइम अटेंड करने के लिए यहाँ पे शेरपा की नियुक्ति की गई है। तो ये सारे पॉइंट हमको G20 समिट के बारे में और नए नियुक्त न्यू अपॉइंट शेरपा के बारे में याद रखने, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये ऑल अबाउट था इस करंट इवेंट न्यूज के बारे में कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी को जो है यहाँ पे G20 के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये ऑल अबाउट था इस करंट इवेंट न्यूज के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसके जब भी नया वीडियो लेगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।